हाँ यहाँ देख लो सुंदर सुंदर लेडीज आई हुई हैं। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइज आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, बहुत दिन बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि है देवठनी ग्यास और मैं देवर का की शादी। सो ये व्लॉग बेसिकली उसी से रिलेटेड होने वाला है। काफ़ी लेट व्लॉग शुरू करी और बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था बीच में। आप लोगों ने बिल्कुल रिस्पांस देना बंद कर दिया है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि यार आप लोग तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। बट फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई है और फिर से आ गई हूँ मैं अपने व्लॉग्स लेकर के। तो बस अभी बजे हैं सुबह के 10 और आज इस व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पे हर्षू भी रेडी शेडी हो गया। हेलो करो, हेलो गाइस। तो हर्षू भी रेडी शेडी हो गया है और अब फटाफट से मैंने थोड़ा बहुत रूम क्लीन कर लिया और थोड़ा बहुत मुझे करना है तो बस मैं अभी ये करके बिल्कुल, मैं ऑलरेडी स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ। फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद मुझे फिर अपनी ड्रेसेस फाइनल करनी है, अपनी ड्रेस फाइनल करनी है। ड्रेस फाइनल करने के बाद मुझे अपनी ज्वेलरी फाइनल करनी है, अपना मेकअप रेडी करना है, जो भी मुझे आज फुल डे में करना है क्योंकि आज उसकी फाइनली शादी है। तो आज जो दो तीन फंक्शन होते हैं वो सब होंगे। देखती हूँ मैं किन में जाऊँगी और किन में नहीं जाऊँगी, क्योंकि दो दो बच्चे इन दोनों को लेकर ना मैं नहीं जा पाती आज। सो जो भी होगा आपको इसी ब्लॉग में मिलेगा, तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए मैं ये सारा क्लीन करती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ कि सब तो ठीक है। मैंने अभी फेस पैक लगाया था और मैंने रिमूव कर दिया, कुछ लग रहा है तो बताना। अभी नहा के और आती हूँ फिर दिखाती हूँ क्या लुक आएगा फाइनली। यहाँ पे इनके भाती आ चुके हैं और ये आशू की मम्मी है और ये देखो भाई इनके इतने सारे भाती है, सब लाइन में लगे हुए हैं ठीक है। और आधे से ज़्यादा तो वहाँ पर भी है, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो अब ये इनके भात ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बाद गुड़चड़ी पर चलेंगे। जब तक कि हम लोग खा लेते हैं अपना खाना। यहाँ आ गए हैं पति देव, तो मैं नहीं खा रही के देव उनका भैया था। यहाँ देख लो सुंदर सुंदर लेडीज आई हुई हैं इनके भात में, तो देख ही सकते हो। आशु की बुआ के नेक के लिए लड़ाई हो रही है, कितने मिलेंगे कितने नहीं देखते, हम भी वेट कर रहे हैं ठीक है। ये बीच में बिचोले नंटी आ चुकी हैं जो कि नेक दिलवाएंगी। वो अंकल 500 दे रहे हैं, ये ले नहीं रही कि 500 थोड़ी ना लेते हैं। चले गए भीतर और जैसे देखो इधर वाले तो चले ही गए अंदर, उधर से लेडीज चली गई, ये बीच में बुआ और खड़ी रहेगी। लुक एट बुआज रिएक्शन, ये देखो बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही, जो दोगे ठीक है ले लेंगे कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कमेंट ड्रिंक करने का मन कर रहा है, देख लो भाई आधे से ज्यादा बात ही तो अंदर जा चुके, अब क्या ही फायदा लड़ाई करने का। भाई छोरे का ब्याह ध्यान तो देख लो ही ना, देखो दिखाओ यो यही का ब्याह है, ध्यान तो देखो इस छोरे ने, इसे का ब्याह है। अब आशु का तेल तारेंगे जो उस दिन चढ़ाया था उसको, देख लो। मैंने अपना ऑलमोस्ट मेकअप कर लिया, मेकअप इन द सेंस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि रात को करना है, तो अभी घुड़चड़ी पे बहुत ही मिनिमल सा मेकअप है, हल्का सा बेस बना के सिर्फ लाइनर लगाया है। और यहाँ मेरी ड्रेस पड़ी है, जैसे ही बाहर ढोल बजने लगेगा ना वैसे ही मैं ड्रेस पहन के रेडी हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं करना, लिपस्टिक लगानी है वो लास्ट में लगाऊंगी ताकि कहीं से भी खराब होने की कोई चांसेस ना रहे। हेयर बनाना है वो देखते कब बनाएंगे, रेडी हो गया आप लोगों से बात करती, चलो बारात चढ़ गई और देखो भाई।
गाइस, हम लोग ना अभी रात के बजे हैं, 1 बजने वाला है और हम लोग थोड़ी देर पहले ही शादी में से आए हैं। मतलब ना हम लोग पूरी वेडिंग नहीं देख कर आए, मतलब बस आ गए। बच्चे दोनों बहुत परेशान, ये तो आके यहाँ पे सो भी गई है। और ये महाशय कपड़े वपड़े हम सब ने चेंज कर लिए हैं और मेकअप भी रिमूव कर लिया, सब कुछ कर लिया है। बस अब ऐसा है कि अब सोना बाकी है, तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा डांस किया है। और जाते टाइम ना लिटरली मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी। तो बाकी कल का देखेंगे, कल क्या रिकॉर्ड करती हूँ, क्या नहीं रिकॉर्ड कर पाती, सो वो सब देखेंगे। और उसके बाद देखते हैं क्या नहीं होगा, क्या नहीं। कल भी बहुत सारी रस्में बाकी है, तो वो रस्में देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अभी सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे मॉर्निंग उठने के बाद मैं आ गई थी आशु के पास, नई बहू आ गई है, तो इनके यहाँ पे जो भी रस्में होती है वो सब हो रही है। संटी खिलवा रहे थे, तो यहाँ पे सारे देवर लग चुके हैं अपना संटी की तैयारी करने के लिए। करो थोड़े तेज तेज करो, फॉर्मेलिटी तो ना असली की कर ले। विन्नी अब तो तेज के मार ले, बता कभी नहीं तब हो रहा है। शर्म कर, तेज से तेज तो कृष्णा मार गया। वेरी गुड, अरे वाह, पकड़ी है। तो चलने देने, काम सही हो रहा था। नहीं 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 जस्ट अभी मैंने इस व्लॉग को एडिट करी थी, काफी दिन हो गए मतलब व्लॉग एडिट नहीं किया था मैंने। सो आज फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला कि मैंने इस व्लॉग को एडिट किया है, तो मैंने देखा कि मैंने उसकी एंडिंग नहीं की थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को ये पूरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। जितना मुझसे हो पाया ना, मैंने सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की है। आई नो बहुत सारी चीज़ें शादी की मैंने मिस कर दी है, बट फिर भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि मैं हर फंक्शन में अवेलेबल नहीं थी, तो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें रह गई है जो आई थिंक के बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। तो बाकी आगे कभी कोई वीडियो मिलेगी तो आप मेरी शॉर्ट्स में देख सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल हम दोनों देवर भाभी, लो चली में मेरे देवर की बारात लेकर के, सो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर चेक कर सकते हैं। और चलो फिर इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। आपसे मिलूंगी जल्द ही एक बढ़िया से व्लॉग और वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके बता दो जल्दी से कि कौन सा पार्ट आपको वीडियो का बेस्ट लगा और मेरा डांस कैसा लगा। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री श्याम, जय माता दी।